हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने इनेलो के विभाजन को निश्चित बताया है। वे गुरुवार को सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा की जा रही कार्यकर्ताओं की बैठकों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तंवर ने कहा कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के सिवा किसी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने झूठ, लूट और फूट से पीड़ित इनेलो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भी दिया। आइए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रधान अशोक तंवर की बाइट सुनते हैं। अब मीटिंग ले ले, कुछ ले ले, मीटिंग करें, सिटिंग करें, अब जो है मामला पूरी तरीके, हम तो पहले भी करें, मामला तो पहले ही निकल चुका था, लेकिन अब तो बहुत कोसों दूर चला गया है। जहां INLO हमेशा ये कहती थी कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के इतने उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री पद का उन्होंने तो घोषित कर रखा है कि एक ही आदमी बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी चार लोग एक साथ नहीं रह सकते, एक ही परिवार के लोग, तो आप समझ सकते हैं कि इनेलो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। पूरी तरीके से लोगों ने जो जनादेश दिया था उसका इन लोगों ने अपमान किया, और ख़ास तौर से अगर सिरसा पार्लियामेंट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अब इनेलो जिस तरीके से टूटने की कगार पर है, उन सब साथियों को जो इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं, दूसरे कार्यकर्ता हैं, जो इस फूट से, झूठ से, लूट से और खूनी संघर्ष से तंग आ चुके हैं, उनको मैं कांग्रेस में आने का आह्वान करता हूं। जो लोग अपमान करते हों पगड़ियों का, आप सबने देखा भी है कि किस तरीके से मामला सारा पीछे हमने वहाँ की सम्मान नाम रैली, रैली का सम्मान रैली, लेकिन वहाँ गरीब का, किसान का, मजदूर का और दलित कार्यकर्ताओं का, उस पार्टी का किस तरीके से अपमान हुआ, ये हमने सबने देखा है। इसलिए भविष्य केवल और केवल इस प्रदेश में कांग्रेस का है, और कांग्रेस के माध्यम से किसान, गरीब, मजदूर का है, व्यापारी का है, कर्मचारी का है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।